नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि रात को सोने से पहले हम क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमने परमात्मा को दिन में कितनी बार याद किया, कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम बुरा किया। जैसे एक दुकानदार होता है, वह पूरा हिसाब लगाता है कि दिन में उसे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ऐसे ही हम अपने पूरे दिन की जो है हिसाब किताब लगाएं कि हमने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितनी बार परमात्मा को याद किया। और हम अपने बुरे कार्यों के लिए परमात्मा के आगे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें माफ़ कर देना, हमसे अनजाने में गलती हो गई है, हमें अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। और हम उसकी प्रशंसा करें परमात्मा की कि आप तो बड़े दयालु हो, बड़े विशाल हृदय वाले हो, हमारी गलतियों को माफ़ कर सकते हो। और हम यह देखना चाहिए हमें कि जो काम हमसे नहीं हो सका, अगर हम किसी की सहायता नहीं कर सके, तो हे परमात्मा, आप उसकी सहायता अवश्य करना। जैसे कोई बीमार है, हम उसकी बीमारी को नहीं ठीक कर सके, तो परमात्मा आप उसकी बीमारी को ठीक कर देना। किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उसकी ज़रूरत को पूरा कर देना। और हम उसकी प्रशंसा करें, उसके आगे प्रार्थना करें, निवेदन करें और सोते हुए उसका धन्यवाद करें कि ये परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा दिन जो है बहुत अच्छा बीता और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उसका गुणगान करते हुए, उसकी महिमा को सोचते हुए हम उसका धन्यवाद करें और अपने आप को उसके आगे समर्पित कर दें और परमात्मा के आगे नमस्कार करें और अपने मन से उसे धन्यवाद करें। और हे परमात्मा, हमारी रात भी अच्छी तरह बीते जैसे हमारा दिन बीता है। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद।